कायद हिजब इख्तलाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मैं आगाज ही में कहना चाहता हूं, अपनी जमात की तरफ से तस्लीम करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है इसमें आईन में इसकी गुंजाइश मौजूद है, तस्लीम करता हूं। बारह कह चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए कि इस तहरीक को पेश करना ऑपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। मैं आज एक और चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आईन शिकनी मतमय नजर न था, न है, न होगा। आईन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। और जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब करते हुए कहा कि बोझल दिल के साथ मायूस हैं लेकिन सर खम तस्लीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। जनाबे वाला, पाकिस्तान की तारीख आईन शिकनी से भरी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं तारीख में जाने का इतना वक्त तो नहीं है लेकिन जो हालिया एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। और कौम इस बात से गवाह है कि 12 अक्टूबर 1999 में आईन शिकनी हुई और कौम इस बात की गवाह है कि जब आला अदलिया के सामने वो केस गया, पीसीओ जजेस ये वो जो, तारीख में जाने का वक्त नहीं है, तो हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी आईन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और कौम इस बात की गवाह है। जनाबे वाला, मौलाना फजल रहमान साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदलिया के फैसले से पहले, अभी मसला सब जुडिस था, जेरे गौर था, अदालत उज़्मा के सामने था, इन दोनों शख्सियात ने बयान दिए कि कोई नजरियाए जरूरत का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। ये इनका बयान है, रिकॉर्ड पर है। भरनो डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी को दफन होना चाहिए था और मैं खुश हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है, पाकिस्तान की जमहूरियत ने इवॉल्व किया है कि आज हम सब डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी का सहारा लेने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आज कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने कल कहा और उनकी इजाजत से मैं आज बेसियत पार्टी के वाइस चेयरमैन के और बेसियत डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर के उनका मौकफ पेश करना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। तारीख के लिए, तारीख के और आंख आज रकम हो रहे हैं और तारीख के लिए मैं रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूं कि मेरा वजीर आजम कहता है कि मायूस हूं लेकिन आला अदलिया का एहतराम करूंगा। मेरा वजीर आजम कहता है कि जो अदलिया ने फैसला किया कि बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा और कायदे हिजब इख्तलाफ ने अभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नुक्ता उठाया और कहा कि आप पाबंद हैं, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि आप पाबंद हैं कि आपने आज ये अदलिया के फैसले के मुताबिक
इजलास की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। जनाबे वाला, उसी के उस फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। हफ्ता है, 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि अदलिया ने फरमाया कि यह इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है, आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। जनाबे वाला, हम उसको उसकी पासदारी के लिए यहां हाजिर हुए हैं, लेकिन मैं सवान के खिदमत में वो पस मंजर पेश करना चाहूंगा जिसने आज इस इजलास को इस शक्ल में दोबारा करने की आपको हुक्म सादर फरमाया और हमें ताबे किया। जनाबे वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने सुओ मोटो नोटिस लिया। जनाबे वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर उसने इस ऑर्डर की शक्ल में अपना फैसला सादर फरमा दिया। उसमें उन्होंने मुत्तफिक का तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया और हमारी नजर में जो वजीर आजम ने कौम के सामने जाने का फैसला किया था डिसोल्यूशन के जरिए, जिसका मुतालबा हमारी ऑपोजिशन तकरीबन 4.25 साल से कर रही है, 4.25 साल से कर रही है और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो उन्होंने कहा कौम को इस आजमाइश से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं और पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाबे वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाबे वाला अदलिया में गए क्यों, हमारे दोस्त क्यों गए, जॉइंट ऑपोजिशन क्यों गई और सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया, उसका बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंजर है और वो पस मंजर जरूरी है, तारीख के लिए जरूरी है कि उसका बिल्कुल अहाता किया जाए। जनाबे वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, यह इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, यह उन्होंने कहा। और जनाबे वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज उसकी बाज गश्त है। जनाबे वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी
उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है, और दो ऑर्डर करती है. देयर टू डिसीजंस एंड आई लाइक टू पुट दोज डिसीजंस इन फ्रंट ऑफ द हाउस. वन, कि दे एक्नॉलेज देयर वाज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ए डिमार्श मस्ट बी इश्यूड. दफ्तर खारजा को हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिमार्श करो, इस्लामाबाद में भी करो, वॉशिंगटन में भी करो, और जनाबे वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्श करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में भी करता है. दूसरा फैसला सादर करता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास के पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है फिल फॉर उसको तलब किया जाए, उसको कन्वीन किया जाए और ये सारा मामला मुंतखब नुमाइंदों को, ये सॉवरन हाउस है, ये आवाम जो है, ये पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी कर रहा है, तो उनके उस फोरम के सामने रखा जाए कि वो बात की बारीकी तक जाएं और प्रोब करें और हकायक जानने की कोशिश करें. आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है. ऑपोजिशन का फर्ज था जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट फेयर. ये वाइंड अप करें इसके बाद. दिस इज नॉट फेयर. ये वाइंड अप कर ले मैं सब. ये वाइंड अप कर लेना. ये वाइंड अप कर लेते हैं. दिस इज नॉट फेयर. Why is he nervous? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराए, सुन ले बात. ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लीजिए. घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ. 12:30 बजे तक जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ.